माता की दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, सिर्फ 21 बार इस शब्द को बोल दें, बोलने मात्र से आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा, सर्वजन सम्मोहन होने लगेगा, आप जो बोलेंगे वो होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा जीवन आप चाहते हैं वैसा जीवन आपका बनने लगेगा। अगर आपका पार्टनर आपसे रूठ गया है, आपके पास लौट आएगा। अगर आपकी समस्या ये है कि आपके गृहस्थ जीवन से संबंधित कोई भी समस्या आपकी लाइफ में हो रखी है तो वो ठीक हो जाएगी। अगर आपको कैरियर संबंधी समस्या है, आपको एग्जाम संबंधी समस्या है, आपको डर लगता है किसी चीज़ से, तंत्र बाधा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, इस एक शब्द को बोलने मात्र से आपके जीवन में हर वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में ये बताऊंगी आपको कि जो उपाय आप कर रहे हैं, जो शब्द आप बोलने जा रहे हैं, उस शब्द को और तेजी से काम करने के लिए आप और क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा उपाय उसके लिए भी बताऊंगी। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं दोस्तों, जय माता के कमेंट बॉक्स में आप भी लिखते हैं, मेरी प्रार्थना है माता रानी से, ताकि माता रानी की कृपा आप सभी व्यूवर्स पर बनी रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं कौन, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर, आपके लिए लाती हूँ छोटे छोटे उपाय, ऐसे तरीके, ऐसी जानकारियां बैड लक को गुड लक में बदलने की ताकत रखता है। मंत्र आपके जीवन में हर क्षेत्र में काम कर सकता है। आप अगर गृहस्थ जीवन से समस्या में हैं, वो आपके लिए फायदेमंद है। अगर आपकी समस्या ये है कि आपके ऊपर कोई, आपको लगता है किसी का किया कराया है, आपके घर में लोग बीमार रहते हैं, आप बीमार रहते हैं, आपको बीमारी से छुटकारा ही नहीं प्राप्त हो पा रहा है, या फिर आपको लगता है कि आपकी एक समस्या खत्म होती है दूसरी समस्या शुरू हो जाती है, आप जिससे कोई बात कहते हैं कोई आपकी बात मानने को ही नहीं तैयार है, आपके घर में बहुत सारे कलह कलेश का वातावरण बन चुका है, इस एक मंत्र का प्रयोग आप करना शुरू कर दीजिए, आपकी वो सारी समस्याएं, उन सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो पहले दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करके, किस तरह की जानकारी मैं हमेशा अपने चैनल पर लाती हूँ जो आपके जीवन को बेहतर बनाता है। तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि किसी भी मंगलवार या शनिवार से आप इसे शुरू कर सकते हैं। आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, लाल रंग के आसन पर बैठना है, एक हनुमान जी की तस्वीर सामने रख लें और वहाँ पर घी का दिया जला लें, वहीं बैठकर रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का 108 टाइम आपको जाप करना है। ठीक है, 108 टाइम जाप करेंगे, जो मंत्र मैंने आपको स्क्रीन पे दिया है, और इस मंत्र को आप 108 बार पढ़ेंगे। दोस्तों, रोज उस दिन से रात को सोने के पहले 21 बार इस मंत्र को बोलेंगे, और सुबह उठते ही अगर आप 108 टाइम शब्दों को बोल पाते हैं, इस मंत्र को बोल पाते हैं, तो अच्छी बात है, नहीं तो 21 बार सुबह और 21 बार रात को जरूर बोलकर ही सोएंगे। बोलने के अपने विश को, अपने इंटेंशन को जरूर क्लियर करेंगे। आपकी इंटेंशन जो कि कुछ भी है, आप अपने जॉब में तरक्की चाहते हैं, आप पैसे चाहते हैं, आप अपने लव लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं, या फिर तंत्र बाधा है, तंत्र को दूर करना चाहते हैं, किसी तरह के प्रॉब्लम में, ऑब्स्टिकल में फंसे हुए हैं, आप उसे हटाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जहाँ जब भी कुछ भी बोलना शुरू करें लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए, आपका जो पर्सनैलिटी है वो इतना डेवलप हो जाए कि लोग बस देखते भर ही से ही मोहित हो जाए, तो ऐसी पर्सनैलिटी अगर आप चाहते हैं तो इस एक मंत्र को बोलना शुरू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा काम का चमत्कारी मंत्र है दोस्तों। हनुमान जी का ये सर्वजन सम्मोहन मंत्र आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रखने का ताकत रखता है। मैंने शुरू में ही कहा था कि आपको मैं अंत में बताऊंगी कि इस एक उपाय को आप बहुत तेजी से अपनी लाइफ में क्रियान्वित करवा सकते हैं। उसके लिए आपको करना यह है, कि शुरुआती 5 मंगलवार, हर मंगलवार को आपको 10 रुपए की जलेबी आपको हनुमान जी को चढ़ानी है, और एक लाल रंग का फूल चढ़ाना है। उस लाल रंग के फूल को सामने रखेंगे और मंत्र जाप कर लेंगे, और उसके बाद उस फूल को अपने पास अपने पॉकेट में रख लेंगे, अपने पर्स में रख लेंगे, और उसको तब तक रहने देंगे अगले मंगलवार तक। उसके बाद अगले मंगलवार को फिर जाप करेंगे, फिर एक लाल रंग का फूल चढ़ाएंगे, और पहले फूल को हम वहाँ रख देंगे। 5 मंगलवार हो जाने के बाद पांचों फूल को आप पानी में प्रवाहित कर दें, और अपने इच्छा को आप पूरा होता हुआ देखेंगे। जो भी इच्छा है आप इस तरीके से अगर मांगते हैं हनुमान जी से, तो आपकी इच्छा तुरंत पूरी होगी। दोस्तों, आज की ये जानकारी यहीं तक, आशा करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर मिलूं, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।